चैनल। तो यहाँ पे कर रही हूँ मैं तैयारी। आज का जो व्लॉग है ये जो है महालक्ष्मी वाला स्पेशल व्लॉग होने वाला है, क्योंकि अभी हम लोगों को जो है ना जाना है महालक्ष्मी का खाना खाने के लिए। तो बस यहाँ पे जो है मैं तैयारी कर रही हूँ और मुझे करनी है सबसे पहले ना हेयर स्ट्रेट, क्योंकि आज है महालक्ष्मी का खाना और इस दिन का इंतज़ार होता है साल भर से। क्यों? तो सबसे पहले हेयर्स जो है वो स्ट्रेट करते हैं। तो स्ट्रेटनर जो है ना मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है, तो सबसे पहले हेयर स्ट्रेट कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत बार इच्छा होती है करने की, लेकिन घर के फंक्शन रहना तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती, कुछ भी नहीं, जैसा रहा बस वैसे ही बाल, और फिर ज़्यादा परेशान हुई तो बालों का जुड़ा। लेकिन अभी जाना है बाहर तो बिल्कुल रिलैक्स हूँ, किसी और के घर खाना खाने के लिए, तो इसीलिए रिलैक्स हूँ। तो बस अभी हेयर जो है सबसे पहले स्ट्रेट करती हूँ मैं, और उसके बाद जो है साड़ी वगैरह पहन के तैयारी करती हूँ। और कितना ज़्यादा डिफरेंस दिखता है, एक साइड के बाल स्ट्रेट किए हुए और एक साइड के बाल बिना स्ट्रेट किए हुए। तो स्ट्रेट वाले बाल कितने अच्छे दिख रहे हैं, अभी इधर वाले बाल थोड़े बाउंसी है, तो इसे करते भी स्ट्रेट। हेयर जो मैंने स्ट्रेट कर लिए हैं, अब उसके बाद सबसे पहले निकालती बच्चों के कपड़े। हेयर स्ट्रेट करना ज़रूरी था, बच्चों के कपड़े इसके बाद निकालती हूँ, नहीं तो टाइम मुझे नहीं मिलता था। तो बस अभी सबसे पहले बच्चों के कपड़े निकालती हूँ, उसके बाद करती हूँ अपनी तैयारी और मिलती हूँ आपसे। मैं तैयार और बस यहाँ से निकलते बच्चों को भी तैयार कर दिया, और यहाँ पे मैं इतना ज़्यादा होके रखा है ना, तैयारी करने के बाद इतना ज़्यादा सामान निकल जाता है। तो बस बालों को जो है ना थोड़ा सा सेट कर लेती हूँ, मतलब कुछ क्लच वगैरह लगा लेती हूँ। खुले बाल करके तो नहीं जाऊँगी अभी बाहर, क्योंकि मौसम भी बहुत गर्म हो रहा है, तो बालों के कुछ क्लच वगैरह लगा लेती हूँ। तो तैयारी फाइनली डन है यहाँ पे हमारी, और हमारी अनाया भी कर रही तैयारी। अनाया दे देख, अनाया क्या लगा रही है? आई शेडो अनाया लगा रही आई शेडो। अनाया को ना मेकअप का बहुत ज्यादा शौक है ना। अनाया मम्मी का मेकअप करेगी? चलो बस अभी थोड़ी देर में यहाँ से थोड़े से बाल को जो ना सेट कर लेती हूँ, कुछ छोटी सी हेयर स्टाइल कर लेती हूँ, यहाँ से निकलते हैं हम लोग। तो बस यहाँ पे मेरा जो है ना ये ज्वेलरी का बॉक्स रखा हुआ था, तो इसके अंदर मुझे ये नथ मिली है, इतनी प्यारी लगती है ये नथ। तो बस इसी डाल के देखा है, तैयारी के साथ में ना ये नथ बहुत अच्छी लगती है, लेकिन नहीं पहन के तो नहीं जाऊंगी, लेकिन ये जो नथ है बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है इस तैयारी के साथ में। तो ये रही नथ अनाया पीछे से पोज देते हुए। तो नथ बहुत अच्छी लग रही, लेकिन नथ हम जो है निकाल के रख देंगे। तो मैं बस यहाँ पे तैयारी कर रही थी, तो ये नथ मुझे मिली, तो मैंने बोला कि एक बार ट्राई करके देखती हूँ। वैसे मेरा बहुत मन था कि इस तरह का लुक करूँ, तो मतलब इस तरह से साड़ी पहनो तो इस तरह का लुक करूँ, कुछ रील्स वगैरह बनाऊँ, लेकिन इतना टाइम नहीं बचता। क्या हुआ? अभी ये वाला, फिर बाद में दूसरा चेंज करेंगे। बाल जो मैंने ऊपर कर लिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो तैयारी हो गई, अब यहाँ से निकलते हैं हम लोग और पहुँचते हैं महालक्ष्मी के दर्शन के लिए, और आपको भी दिखाती हूँ महालक्ष्मी, मतलब महालक्ष्मी के दर्शन आप लोगों को करवाती हूँ मैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको कराती हूँ पहली महालक्ष्मी के दर्शन, जो कि बहुत ही प्यारी है, और ये हमारे नेबर्स की, मतलब मेरे घर के जस्ट जो बाजू में घर है उनके यहाँ की ये महालक्ष्मी है। और आपको ना आज बादल बहुत ज़्यादा गरज है, वॉइस ओवर में जब कर रही हूँ ना तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो ये सारे साउंड भी आप लोगों को सुनाई आएंगे। तो सबसे पहली महालक्ष्मी रही जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी थी, और फिर इनका दर्शन लेके हम लोग आगे चल दिए थे दूसरी महालक्ष्मी देखने के लिए, उसका भी दर्शन आप लोगों को आगे मैं कराती हूँ। बस इसके बाद हम लोग आ गए हैं दूसरी महालक्ष्मी के दर्शन करने के लिए, और महालक्ष्मी जी के दर्शन मतलब इनविटेशन इतने ज़्यादा होते हैं ना कि हर कोई तो प्रोग्राम हम लोग अटेंड नहीं कर सकते, लेकिन हाँ जिस जगह जा सकते हैं वहाँ हम लोग चले जाते हैं। और बस ये रही दूसरी महालक्ष्मी। हाँ, तो ये दूसरी वाली जो महालक्ष्मी है ना, ये मेरे हस्बैंड के जो है स्टूडेंट, उनके यहाँ की महालक्ष्मी थी। तो उसने बहुत ज़्यादा फोर्स किया था कि सर प्लीज़ आप एक बार तो आइए, तो फिर हम लोग भी यहाँ पे जो है चले गए थे महालक्ष्मी के दर्शन के लिए। और इतनी प्यारी सजाई थी ना महालक्ष्मी, मैं क्या बताऊँ, आपको दिख ही रहा होगा। बहुत ज़्यादा प्यारा डेकोरेशन इन लोगों ने किया था, मतलब बस देखते ही बन रहा था। साथ ही यहाँ पे गणेश जी भी बैठे थे, तो आपको गणेश जी भी दिखाती हूँ कि गणेश जी का भी बहुत प्यारा सा डेकोरेशन किया हुआ था। तो मतलब आने के बाद बहुत अच्छा लगा यहाँ पे कि मतलब बहुत ही प्यारी अच्छी तरह से उन्होंने सजाया था। तो यहाँ पे जो है ना हमारे महालक्ष्मी के दर्शन हो गए और बस यहाँ पे थोड़ी देर बैठ गए हम लोग, बस कि थोड़ा सा बैठ जाते, रेस्ट करते हैं, उसके बाद आगे जो है खाना वगैरह हम लोग लेंगे। और बहुत अच्छे टाइम पे हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे, जब उन लोगों की आरती हो रही थी तो हमें आरती भी मिल गई, तो मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था। और बस यहाँ पे आके फिर जो है ना खाना लिया, खाना बहुत यम था। लेकिन एक होता है ना महालक्ष्मी का, हम लोग जहाँ जाते हैं हर साल, तो वहाँ पे बकायदा जो होता है केले के पत्तों में जो खाना होता है, पूरा हमारा ट्रेडिशनल फूड है वो पूरा अच्छी तरह से सर्व किया जाता है। और उसका जो मज़ा होता है ना, मतलब कोई खाने का मज़ा उसके आगे आ ही नहीं सकता। इतना अच्छा खाना और बैठ के खाना और केले के पत्ते के ऊपर खाना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हालांकि यहाँ का खाना बहुत यम था। और ये जो खाना है रेगुलर तो चलते ही रहता है, लेकिन जो महालक्ष्मी का वो वाला खाना होता है जिसमें कि 4-5 तरह की अलग अलग चटनियाँ होती हैं और जो कुछ स्पेशल डिश है जो कि उसी दिन बनती है और उसी दिन ही मिलती है, तो वो मिस किया। और यहाँ पे भी ऐसा था कि खाना ज़रूरी था, क्योंकि उसने बहुत फोर्स किया था, तो खाना खाना ही पड़ा यहाँ पे। और फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे हमारे रिलेटिव के घर पे। तो बस इस यहाँ पे जो हम लोगों ने खाना जितना भी था ना वो हम लोगों ने खाना खा लिया था। और अनाया की यहाँ पे अलग से फरमाइश आ गई थी, मुझे केक चाहिए। अब यहाँ पे केक उसे चाहिए था। यहाँ पे हो गया है हमारा खाना। और अभी आपको कराती हूँ मैं तीसरी महालक्ष्मी के दर्शन। ये भी बहुत प्यारी है, जो कि हमारे एक रिलेटिव के घर पे थी, जहाँ पे हर साल हम लोग खाना खाते हैं। और आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। महालक्ष्मी के बहुत अच्छे से आप लोगों को दर्शन हो गए होंगे। और बस आशीर्वाद यहाँ पे ले लीजिए, क्योंकि इनके दर्शन मतलब बहुत दुर्लभ होते हैं और जिनको होते हैं बहुत अच्छी बात है। तो इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।